नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंगुर, आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल के एक बहुत ही सबसे एडवांस्ड कहें या फिर सबसे अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अगर लागू होता है, अगर शुरू होता है, तो नेपाल की काया पलट कर सकता है। नेपाल के कई ऐसे संदेह है या फिर कई ऐसी दुविधाएं जो कि अभी कंट्रोल में नहीं है, वो सारी की सारी कंट्रोल में कर सकता है। नेपाल को एक सेल्फिश कर सकता है, हम कहें कि आमदनी में बहुत ज़्यादा फायदा दिला सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया है और जो कि जिसका जिक्र तो बहुत दिनों पहले ही हो चुका था, लेकिन अब उस पर मोहर लग चुकी है दोस्तों। अब कितने दिनों में ये होगा, किस तरह से होगा, इससे किस तरह से फायदा होने वाला है नेपाल को, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आज के युग के अंदर एक साइड एनर्जी सोर्स हर कोई देश ढूंढ रहा है या फिर तलाश रहा है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऐसे सोर्स की जो कि कभी खत्म ना हो। मैं बात कर रहा हूं ऐसे सोर्स की जिसे स्टोरेज किया जा सके, या फिर हम ऐसे कहें कि एक ऐसा सोर्स जो कि कहीं ना कहीं प्रदूषण भी ना करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है जिसकी बदौलत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जिसकी बदौलत इसके साथ साथ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोयला आधारित जो संयंत्र हैं पावर जनरेट करने के, कोयला जिस दिन ख़त्म हो गया तो पावर कहाँ से लाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी के बीच में एक अल्टरनेट सोलर प्लांट जरूर है, लेकिन इसके बावजूद एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे कार्य जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। तो जो विकसित देश हैं वो सारे के सारे इस प्रोजेक्ट पर सोच रहे हैं और इसके साथ साथ नेपाल जो कि पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील दिखाई देता है हर बार, और वो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है। हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करके एनर्जी को जनरेट करना। भारत की जो ग्रीन जो एनर्जी है उसे नेपाल में कुछ 50 वाट हरित जो यहाँ पे हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने के लिए नेपाल स्थित नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन एपीआई पावर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यह 3 वर्षों में नेपाल में विभिन्न स्थानों पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, जो जिसे हम कहें कि पीईएम, और इलेक्ट्रोलिसिस आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा और संयंत्रों में प्रति वर्ष 4000 मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादित होगा। आपको बता दूं कि एपीआई पावर परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है नेपाल, और इसमें हाइड्रोजन संयंत्रों के लिए यहां पे मौजूदा पन बिजली और सोल बिजली का प्रस्ताव रखा गया है। श्रृंखला में पहला 1 मेगावाट का प्रयोग हरित हाइड्रोजन संयंत्र और इसके साथ साथ एपीआई पावर 8.5 मेगावाट नोगडगढ़ पन बिजली परियोजना स्थल पर स्थापित किया जाएगा, और इसके बाद यहां पे संजीव न्यूआपे प्रबंधन निदेशक ने कहा है कि आईपी पावर और नेपाल पन बिजली समृद्ध रूप से 20 गीगावाट की परियोजना का विकास करेगी। आईपीआई यहां एपीआई पावर के प्रबंधक निदेशालय संजीव नुपा ने कहा है कि नदियों के विशाल नेटवर्क से संसाधनों की यहाँ पे मौसमी प्रकृति के लिए हाइड्रोजन भंडार की आवश्यकता होगी, और यहाँ पे लीड स्ट्रेंजिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ग्रेंजो एनर्जी कहा जाने वाला एमयूनियो 18 जुलाई 2022 को प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर देगा। 2025 तक ये प्रस्तावित परियोजना पूरा हो जाएगा और इसे सक्रिय रूप से काम में लाया जाना शुरू हो जाएगा, जिसकी बदौलत नेपाल को एक तो स्टोरेज की जो समस्या है पावर को, क्योंकि बिजली को स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, वो होना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, जो कि सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेपाल इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, लेकिन अब जब इस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं तो इसके बारे में बताना बनता था। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।